पर सरकार अपने शासन काल के शुरुआत से ही न केवल राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है, बल्कि केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को भी साकार करने में तत्पर है। इसी के नतीजे हैं कि पाकुड़ जिले में राज्य सरकार की ओर से विशेष पोलियो अभियान शुरू किया गया है, ताकि जिले के सभी बच्चे पोलियो मुक्त हो सकें। पाकुड़ में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर विशेष पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। डीसी दिलीप कुमार झा ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का आगाज किया। ये विशेष अभियान झारखंड के दो जिले पाकुड़ और साहिबगंज में चलाया जा रहा है, जिसका मकसद जिलों को पूरी तरह से पोलियो मुक्त बनाना है। इस अभियान को न केवल अधिकारी बल्कि कर्मचारी भी साकार करने में लगे हुए हैं। त्रिदिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। आज दूसरे अभियान से 0 से 5 साल के बच्चों को ये ड्रॉप दिया जाता है, ताकि हर बच्चा निरोग रहे, स्वस्थ रहे, किसी तरह का उस पर पैरालिटिक अटैक जो होता है उससे वंचित रहे। पल्स पोलियो कार्यक्रम चल रहा है, SNID है, उसमें हम लोग का टारगेट है 1,82,000 बच्चों को, 0 से 5 साल वर्ष के बच्चों को हम लोग को पल्स पोलियो का टीकाकरण देना है, 2 बूंद हर एक बच्चों को। दरअसल पाकुड़ जिले में 1,83,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी सीएम रघुवर की पहल पर पूरी व्यवस्था की है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। साथ ही दवा पिलाने के लिए 2,213 पोलियो कर्मी के साथ 268 सुपरवाइजर के अलावा कई कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अंतर्गत ये योजना चलाई गई है, 1,83,000 बच्चों को हमको आज कल और परसों 3 दिनों में पल्स पोलियो का दो दो ड्रॉप देना है। और अस्थायी रूप से देखते हैं, विकलांग कोई नहीं हो या उसके लिए बहुत ही आवश्यक है बच्चों के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास हमेशा से न केवल राज्य के विकास की रफ्तार को नई दिशा देने में लगे हुए हैं, बल्कि केंद्र की ओर से प्रायोजित स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी योजना को भी हर हाल में साकार करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।